अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? यार उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम खेलने जा रहे हैं वाइस सिटी। तो यार अभी हम बन चुके हैं वाइस सिटी में एक स्ट्रीट गैंगस्टर, लेकिन हमें बनना है वाइस सिटी का किंग, और इसीलिए भाई हम वाइस सिटी में कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं। खैर आज हम जा रहे हैं कॉलोनल कॉर्टेज के पास। तो यार आपको याद होगा, अगर याद है, अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी हैं तो आपको याद होगा कि लास्ट मिशन में कॉलोनल कॉर्टेज ने हमें कॉल की थी और बुलाया था अपने पास। तो यार अब कॉर्टेज के पास ना जाएं तो वही, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। ये बंदा वो बंदा है जो हमें बताएगा कि हमारी ड्रग डील पर रेड किसने की थी। खैर स्कूटी ठोक दी मैंने, लेकिन कोई बात नहीं यार, ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। तो ये आ गए हम पियर या पायर, वट एवर इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस करते हैं। भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप लोग ज़रा कमेंट में बताना क्या प्रोनाउंसिएशन है। फटाफट से चलते हैं कॉलोनल कॉर्टेज के पास, और ट्रेचरस वाइन कुछ ऐसे ही नाम है। Mr. Versetti, Colonel, thank ओके you for coming. Please sit. Lobster. No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. Okay. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. Say it's only right. Right that you killed Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. Well, this kindness, I will reward you. And then we will find your money together. Okay, bhai, ye koi. We'll be at his penthouse, half drunk, probably. Say yes, say yes. Use this. Chainsaw mil gaya. Let's go. अभी एक गद्दार है भाई, उसने इसके साथ गद्दारी की है। ये इस पर कार खड़ी है, लेके चलता हूँ। तो यार कॉलोनल कॉर्टेज के साथ एक बंदा जिसका नाम गोंजालेस है, उसने भाई गद्दारी की है। और कॉलोनल कॉर्टेज कह रहा है कि यार एक बंदा है जिसको ये जिस पर ये ट्रस्ट करता था, लेकिन उस बंदे ने इसको धोखा दिया है। और भाई कोई धोखा इसका ऐसा दिया है कि यार इसका लॉस हुआ है, और शायद हमारी डील भी ख़राब करने के पीछे उसी का हाथ था। तो अभी हमारी डील तो इसने ख़राब नहीं की, हमारा पैसा इसके पास तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका हाथ ज़रूर है डील ख़राब करने। अबे यार एक तो ये सुपर कार्स के रोले नहीं ख़त्म होते। खैर मैंने कुबाड़ा कर दिया है भाई, मुझे सुपर कार चलाने मत दिया करो। मैं वो दूसरी जो गाड़ी है उसमें ही सही हूँ। अरे जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी जल्दी फटाफट से चैनल को। तो आज हम गद्दारों को मारने जा रहे हैं, फटाफट से चलते हैं भाई। गद्दारों की ऐसी की तैसी गद्दारी, ऐसी इसके अंजाम ऐसा होगा ना कि भाई पूरी वाई सी डी काम जाएगी। कोई भी गद्दारी करने से पहले 1000 बार भी नहीं बल्कि 2000 बार सोचेगा। तो खैर मैंने ये रास्ता इसलिए लिया है कि यार ये इसी रास्ते पे रहते हैं। और यहाँ पे एक आर्मर भी पड़ा होता है, तो यहाँ से आर्मर ले लेते हैं। लेट्स गो। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो यार फटाफट से जाओ, पहले पिछले वीडियोस देखो। मैं कोशिश करता हूँ एक प्लेलिस्ट बना दूँ पिछले सारे वीडियोस की। तो ये मेलिबू क्लब के पीछे ही बिल्कुल इसका अपार्टमेंट है। लेट्स गो भाई, रोड पर खड़ी करूँगा। मेरे बाप का रोड है, तू कौन है भाई? निकल यहाँ से, निकल। अबे यार ये तो GTA 5 नहीं, GTA 5 में गन दिखाओ भाग जाते हैं। लेट्स गो। ये बंदा है गोंजालेस, और भाई इसने धोखा दिया है। शट दैट बिग माउथ ऑफ यूर्स, ही इज गॉट अ ब्लेड, स्टॉप रनिंग यू फ्लैट यू फैट स्लाइम बॉल। ओके यार ये इधर आओ, इसको मैं बताता हूँ चीफ बास्टर्ड कौन है। मुझे चीफ बास्टर्ड कह रहा है, पैर रुक 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 भाई नहीं जाना, इधर आ इधर आ, तुझे बताऊँ चीफ बास्टर्ड कौन है। अबे निकल गया वो, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया तो क्या हो गया? इसके पीछे आ जाए, इसके मेरे पास गाड़ी है, ये पैदल भागेगा मुझे पता है। वो देख लो पैदल भाग रहा है, इसकी ऐसी की तैसी, ये नहीं बचेगा। तो कहाँ तक भागेगा बच्चू? भाग ले आज, जी ले अपने आखिरी लम्हात ज़िंदगी की। इसको चेंसा से मारना है। ओ गद्दार की ऐसी की तैसी, छुट्टी हो गई इसकी, एक ही चेंसा में निकल गया। चलो भाई फटाफट से चलते हैं, और गेट टू द पेन स्प्रे। लेट्स गो, पेन स्प्रे पे चलते हैं। एक वांटेड ड्राइव मैंने उठा लिया, तो भाई उससे मेरा काफ़ी वांटेड लेवल एक डाउन हो गया, अभी एक रह गया। तो अभी पेन स्प्रे पे चलते हैं, यहाँ पे एक पेन स्प्रे है। तो यार पुरानी GTA गेम्स में ना सैन एंड्रियास तक पेन स्प्रे में गाड़ी पेंट करने से वांटेड लेवल डाउन होता था। GTA 4 का मुझे नहीं पता, GTA 5 में ऐसा नहीं होता। GTA 5 में हमें वो डार से थोड़ी देर छुपना पड़ता है। $250 मिल गया है, लेट्स गो भाई। और पेंट पे पैसे नहीं मिले, क्योंकि पेंट पे पैसे लगे ही नहीं, सॉरी यार मिले नहीं है, सॉरी। तो कैजुअल आउटफिट नॉर्थ क्लब पे डिलीवर हो चुके हैं, लेट्स गो। अभी भाई देख लो भाई, रेड कलर की चीता हो गई हमारे पास, लेकिन इसकी मैंने वही हालत कर दी है। यार गद्दारी भाई, इसके ऐसा ऐसा सबक सिखाया ना उसके बॉडी गार्ड्स को भी, मैंने चेन साथ दौड़ डाला और उसको भी भाई
एक ही चेनसा का फटका लगा बस ख़त्म, उसी वक्त ख़त्म हो गया। दो तीन गोलियां भी मैंने मार दी तो भाई सही हो गया भाई। अब इसके बाद गद्दारी करने से लोग डरेंगे, तो अभी दोबारा कॉलर क्वार्टर्स के पास जा सकते हैं। दो चॉइसेज हैं, आज या छोटी वीडियो करूँ, वीडियो को शॉर्ट कर दूँ, या फिर कॉलर क्वार्टर्स के पास जाऊँ और उससे अगला मिशन सोचना पड़ेगा। तो यार आज की वीडियो शॉर्ट ही रखते हैं और फटाफट से चलते हैं, गेम को सेव करते हैं। यहाँ से एक मुझे कट मिल गया, यहाँ से कट करते हैं और सेव ही करवाते हैं होटल में जाके। यार कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भी उठा लेता हूँ मैं फटाफट से। एक बेसबॉल बैट पड़ा हुआ है मेरे पास, ऑलरेडी चेनसा है। अगर चेनसा को फेंक उठाना हो तो फिर मैं नहीं उठा रहा इसको। अबे ये चढ़ेगा कैसे, ऊपर चढ़ ही नहीं रहा ये तो। नहीं उठाना यार, चलते हैं जल्दी से सेव करते हैं अपनी गेम को। और बस फिर क्या यार, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, शॉर्ट सी वीडियो थी, ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाता यार, आप लोग लंबी वीडियो बैठ के देख नहीं सकते। और फिर यार वही बात है कि यार अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम होती है तो फिर चैनल की वीडियो नए लोगों को सजेस्ट नहीं होती। और मैं यार कोशिश कर रहा हूँ डेली वीडियो अपलोड करने की, लेकिन 20 व्यूज़, 15 व्यूज़, 17 व्यूज़, और यार मैंने वाई सिटी का सबसे हार्डेस्ट मिशन भी फर्स्ट टाइम में किया, उससे ही मेरे 15-17 व्यूज़ आ रहे हैं, तो यार ये थोड़ा गलत है यार। लाइक है मैं 10 लाइक का, उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक गेम पूरा करवा दोगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।